मंच पर आसीन अतिथियों का आप सबसे एक बार परिचय कराता हूं। मेरे बाईं तरफ मंचासीन है प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुटियाला जी। प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुटियाला जी 52 वर्षों से पत्रकारिता को पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र का परिचित नाम है। आप 8 वर्ष तक पत्रकारिता के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं। अध्यापन आपका मूल क्षेत्र है और वर्तमान में प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान के आप अध्यक्ष हैं। आपके बाईं तरफ बीच में माननीय जयनंद कुमार जी हैं। आप प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक हैं और आप की लेखनी से हम सभी परिचित रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपके पास इससे पहले तमाम पत्रकारों को, पत्रकार जगत के लोगों को आपसे परिचय रहा होगा, क्योंकि आपके पास अखिल भारतीय सह प्रचार का भी दायित्व रहा है। और जो लोक मंथन की आयोजन समिति है उसके केंद्र या उसकी धुरी आप हैं, जिसके इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। पत्रकारिता जगत का एक जाना पहचाना नाम बिल्कुल कोने की तरफ उमेश उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान समय में आप रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, आप समाज सेवी भी हैं और इस वक्त जो हमारी प्रचार की टोली है आप उसके सदस्य हैं। मैं श्री प्रकाश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक हूँ, आचार्य हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ और माननीय कुटियाला जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि आगे की पत्रकार वार्ता शुरू करें। नमस्कार सभी को। इट हैज बीन क्लियरली मेंशनड बाय प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह की द वेरी पर्पस ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट्स अबाउट ए बाइनियल इवेंट, ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इवेंट अबाउट नेम्ड लोक मंथन। एक्चुअली इट इज द third edition of Lok Manthan. As I have said, it is a biennial event, once in 2 years. It was started in Bhopal in 2016 and in 2018 in Ranchi. And we are all aware about the fact about the mahamari corona ke wajah se 2020 ka jo ho nahi paya. Now in 2022 लोक मंथन असम के राजधानी गुवाहाटी में होने जा रहा है। एक्चुअली दिस लोक मंथन इज ए कलोकियम ऑफ नेशन फर्स्ट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स।
राष्ट्र सर्वोपरि विचारक विचारकों और कर्मशीलों का एक राष्ट्रीय विमर्श का मंच है लोकमंथन। हम सभी को पता है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस फॉर द लास्ट सेवरल सेंचुरीज आई वुड लाइक टू से सेंचुरीज देर इज ए ह्यूज गैप इन बिटवीन द इंटेलेक्चुअल्स द प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड द लोक। आई एम रिपीटिंग द टर्म लोक इन इंग्लिश ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू ट्रांसलेट इट एज फोक। फोक इस शब्द से लोक की पूरी कल्पना एक प्रकार से इट विल नॉट रिप्रेजेंट दैट लोक का जो अर्थ पूरा। सो लोक और विचारकों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप कई कारणों से, आई डोंट वॉन्ट टू गो डीप इन टू दैट। यस, कॉलोनियल मास्टर्स का जो षड्यंत्र भी इसमें है, प्रॉपर राष्ट्र कल्पना इसके वजह से कम हो गया, इसके वजह से भी है। इसके बारे में हम इसलिए बता रहा हूं, राष्ट्र लोक संस्कृति से उपज है, राष्ट्र संस्कृति से लोक संस्कृति से राष्ट्र बना है। बहुत बड़े विचारक और हिंदी साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो बताया था, लोक संस्कृति ही राष्ट्र स्वरूप है। लेकिन बीच में यह गैप बढ़ गया, इसके वजह से राष्ट्र का भी एक प्रकार से पतन हो गया। ये गैप को फिलअप करने की आवश्यकता है लोक और विचारकों के बीच में, कर्मशील और विचारकों के बीच में एक संबंध, साथ में बैठकर इस समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इस दृष्टि पर कुछ राष्ट्रीय वैचारिक ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें प्रज्ञा प्रवाह है, संस्कार भारती है, इतिहास संकलन योजना है, अधिवक्ता परिषद है, वनवासी कल्याण आश्रम है, ऐसे बहुत सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ऐसा एक तय किया है। बाकी भी समय विचारिक लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को सब मिलकर ये बाइनियल इवेंट का जो प्लानिंग किया, जैसे तो मैंने बताया गुवाहाटी में सितंबर 22, 23, 24 इस तीन दिन में गुवाहाटी के आइकॉनिक कल्चरल सेंटर श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में ये होने वाले हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी 22 के सुबह 9:30 बजे को इसका उद्घाटन करेंगे। और उसमें, उस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंत बिश्व शर्मा पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ के महामहिम गवर्नर पार्टिसिपेट करेंगे। और समापन कार्यक्रम 24 को केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एड्रेस करेंगे, उसके मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबले लोक मंथन का जो मैसेज उस समापन कार्यक्रम में देखें। ऑलरेडी इट हैज बीन क्लियरली सेड दैट आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स, एकेडमिशियंस सब एक ही मंच पर आ रहे हैं, इसलिए भारत के जाने माने कलाकार और असम सहित 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो कलाकारों का जो अलग अलग कार्यक्रम, इसके अलावा पूरे भारत के भारत में शक्ति का महत्व दिखाने वाले, और इसमें शक्ति कहने से मेरे जो मतलब तो आपको समझ में आए होंगे, उस शक्ति का विवरण करते हुए एक बड़ा नृत्य, उसका भी कार्यक्रम है। दक्षिण भारत का यक्षगान की प्रस्तुति होंगे। भारत के सभी काउंसिल्स, डेवलपमेंट काउंसिल्स का कलाकृतियों के जो प्रस्तुति हैं,
बड़ा एक एग्जीबिशन का भी योजना किए है। सो इस कालखंड एस्पेशली दिस टाइम हम सभी को मालूम है कुछ इनिमिकल फोर्सेस कुछ सिनिस्टर कैंपेन कर रहा है भारत के एकता और एकजुटता के खिलाफ। उसी समय एकता और एकजुटता को महत्व देने वाले इस लोकमंथन को इट हैज गॉट ए ग्रेट रिलेवेंस। दैट इज वाई दिस कार्यक्रम इस प्रकार का कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं। आप सभी का जो सहयोग ठीक ढंग से इस विषय का होना चाहिए ये बात आपके सम्मुख रखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सो नाउ इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस होल प्रोग्राम दिस बाइनियल इवेंट आपको पूछ सकते हैं। रिलीज आपको मिल गई है क्या? रिलीज दे दीजिए सर। दे दीजिए सबको दे दीजिए रिलीज दे दीजिए आगे सो दे कैन गो थ्रू इट प्लीज। दो लोग लग गए। दो लोग हैं एक और कोई आ जाइए दे दीजिए। वहां से लेकर आइए तो उसमें प्रेस रिलीज भी है ब्रोशर का जो कार्यक्रम क्या क्या है सेशन वाइज कार्यक्रम का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें। पार्टिसिपेंट्स की संख्या कितने राज्यों से और इसका जो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ऑल था गता दो महीने से लोकमंथन के साइट के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया था। 3,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर किया लेकिन वहाँ के जो जगह की कमी और कोरोना के जो विषय को लेकर कुछ नियंत्रण संख्या के बारे में है फिर भी उसमें 1/3 लोगों को 1,000 लोगों को अनुमति दिया। दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग पेइंग 300 रुपीज अस्ती लोकमंथन फीस। ऐसा 1,000 विचारक और कलाकार मिलकर वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के सभी स्टेट से इस कार्यक्रम में केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी स्टेट से पार्टिसिपेशन है सभी यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेशन है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी जिस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या तमाम अनुसंगिक संगठन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने शक्तियों की बात की देश की अखंडता तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि छवि ध्वंसित करने के प्रयास में बहुत बार ऐसे तंज कसे जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या अन्य जो अनुसंगिक संगठन है उस पर अपना पक्ष भी नहीं। देखिए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छवि को ठीक करके समाज के सम्मुख रखने के लिए प्लान नहीं किया है। इट इज फॉर आवर कल्चर आवर ट्रेडिशन आवर कस्टमरी प्रैक्टिसेस विच स्ट्रेंथन दिस लैंड। भारत को एक राष्ट्र के रूप में शक्ति प्रदान करने वाले संस्कृति परंपरा और ये संस्कृति और लोक परंपरा और राष्ट्र के जो इतिहास के साथ क्या संबंध है और इट इज टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी भारत के विविधता को
एक प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए बात है, और एकता का मूल स्वरूप क्या है यह ढूंढने के लिए है, समझकर इसको सेलिब्रेट करने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें समझ लीजिए, इसमें भाग लेने वाले लोग सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य लोग नहीं हैं, बाकी भी लोग हैं जिनके मन में भारत की परंपरा, संस्कृति, इतिहास और लोक परंपरा के ऊपर आस्था है, विश्वास है, रुचि है, ऐसे लोगों को बुलाया है। इसका एक ही पॉजिटिव मैसेज ऐसा है, मैंने जो बताया, एकता के लिए, एकजुटता के लिए हम सब मिलकर प्रयास करना है। दिस इज द वन एंड ओनली वन मैसेज विच वी आर गोइंग टू गिव। इट इज़ नॉट फॉर एक फेस बिल्डिंग एक्सरसाइज, नहीं है, वो समझने की जरूरत है। इसलिए इसमें अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल होते हैं। देखिए, इसका इनॉग्रेशन एंड समापन मैंने जो ऑलरेडी जो बताया था, दैट्स अ पब्लिक इवेंट, दोनों पब्लिक इवेंट है, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो भाग ले रहे हैं, और माननीय आरिफ मोहम्मद खान जो आ रहे हैं, और दत्तात्रेय असबोले जो मैसेज देते हैं वो पब्लिक को देते हैं। ऑफकोर्स वाहन के एक प्रकार के मैंने जो ऑलरेडी बताया था, आप में से कुछ लोग शायद ये श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र देखे होंगे, उसमें एक 1000 से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते हैं, सो इसलिए लिमिट किया है। अदरवाइज दोनों बड़ा कार्यक्रम वो पब्लिक ही है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य के बारे में मैंने जो बताया था शुरुआत में ही कम शब्दों में, ये लोक मंथन है, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, इसको लेकर डिस्कशंस होते हैं। इस बार का मूल सब्जेक्ट भी लोक परंपरा ही है, भारत के लोक परंपरा से, लोक संस्कृति में, लोक जीवन में खाद्य परंपरा क्या है, वाद्य परंपरा क्या है, संगीत क्या है, नृत्य क्या है, वो कैसे पूरे भारत में समान रूप में हैं। मैंने बीच में एक और बात बताया था, कुछ लोग कोशिश करते हैं भारत का एक प्रकार से बाइनरी क्रिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए। इस लोकमंथन का उद्देश्य जोड़ने का है, एक करने का है। इट इज़ टू स्ट्रेंथन दिस नेशन, नॉट टू, कुछ लोग तो प्रयास करते हैं ब्रेक करने के लिए। इसलिए एक प्रकार से एक इंट्रिंसिक और इंटरनल वननेस क्या है वो समाज के सम्मुख रखने के लिए है। सो वही पर्पस को लेकर काम कर चर्चा करने के समय उसमें बाकी इश्यूज नहीं आ जाएगा। ऑफकोर्स इसके पैरेलल एक सेशन, एक ग्रैंड नरेटिव के ऊपर भी एक सेशन होंगे, एक पैरेलल सेशन, उसमें बहुत सारे विषय आने की संभावना है। अदरवाइज 99% ऑफ द टॉपिक विल बी रिलेटेड टू लोक परंपरा। वो ब्रोशर में आपको विषय देखा है तो मालूम हो जाएगा। नहीं, मैंने वो समझकर ही मैंने उत्तर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उस प्रकार के जो विषयों के बारे में चर्चा करने, तो एक एक कार्यक्रम का अलग अलग उद्देश्य होते हैं ना, उसके लिए अलग कार्यक्रम करना है। इसका उद्देश्य केवल लोक परंपरा, लोक संस्कृति, इसको लेकर ही है, वो हमारे मूल एकता का कारण है। जो सो कॉल्ड लोग जो करते हैं, इसका कुछ एडवांस्ड रूप में ही अर्बन सेंटर्स में लोग करते हैं, नगर में, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, ये दिखाने के लिए कार्यक्रम है। आबादी का जो विषय, पॉपुलेशन कंट्रोल का विषय, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं ना, अनेक कार्यक्रम करते हैं। इज इट नॉट, एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाने वाले जगह पर आप क्यों वहाँ संगीत नहीं सिखाते हैं, सब उसने क्या क्या अर्थ है। हाँ जी, क्या उस विषय के ऊपर चिंता होगी, चिंतन होगा अकादमी में, अगर सीधे कहूँ तो
आइए, वहाँ तो एक्सपर्ट्स लोग आएंगे। एक खाद्य का मूल स्वरूप आप समझने की आवश्यकता है, वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, नेसेसिटी ऑफ ए पर्सन हु एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को लभ्यता सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उस एरिया पर उस क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा बातें यानी चीज अंदर जाना है। हमारे एक मूल कल्पना व्हाट ऑल आर अवेलेबल, आपके चारों ओर क्या अवेलेबल है, उस विषय को लेकर, उस चीजों के लेकर खाद्य बनाने की आवश्यकता, दैट इज मोर हेल्थी एंड एवरीथिंग। सो क्या क्या चर्चा में आ जाएगा खाद्य और अखाद्य, और पूरे राष्ट्र के लिए खाद्य और अखाद्य ऐसा कह नहीं सकते है। डाइवर्सिटी, मैंने जो पहले ही बताया, इट इज टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। एकता का जो बात है ना, मैंने जो सांस्कृतिक एकता, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर कमिंग फ्रॉम ऊपर, ऊपर से आने वाले किसी ऑर्डर से एकता नहीं होगा, एकता मन से आते हैं। इसलिए डाइवर्सिटी के बारे में चर्चा होंगे, वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए खाद्य कहो, वाद्य कहो, संगीत कहो, नृत्य कहो, ये सबके बारे में खुले में ओपनली डिस्कशन होंगे। You are most welcome to hear what is going to happen there. That's why I can't just say what is going to be deliberated there. मुझे कैसे कर सकते हैं? I'm not the expert. मैंने किसी पर्टिकुलर भोजन के बारे में, खाद्य के बारे में इसको सहमति देने के लिए कार्यक्रम नहीं है। क्या क्या हो रहा है लोग के बीच में, क्या क्या खाद्य होते हैं उसमें, देखिए हम किसी ऑर्डर के द्वारा किसी खाद्य को समाप्त, बैन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उस प्रकार का जो बात करने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने इन्वाइट किया आप लोगों को, वहाँ भी आकर आपका भी मत प्रकट कर दीजिए वहाँ अगर आवश्यकता है तो। लेकिन एक राष्ट्र के अंदर अन्य कई कारणों से कुछ मूल बिंदुओं के, मूल्य बिंदुओं के ऊपर आदर है, आपका विश्वास है, इट हैज गॉट डेफिनेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। मैं उसमें ज़्यादा जाना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक आधार भी है कुछ विषयों के बारे में, वो भी वहाँ डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज टू बी टेकन और नॉट। वहाँ आप लोग भी आइए, वहाँ कैंटीन्स रहेंगे, वो कैंटीन्स में मांसाहार भी मिलेंगे, डोंट टेक इट इन द अदर वे, आई एम प्लेनली सेइंग, क्यूसिन बट सब प्रकार के क्यूसिन वहाँ मिलेंगे। इट इज नॉट इंटरनल, मैंने पहले बताया, इट इज एन ओपन, इंटरनल नहीं है। 3 महीने से ओपन रजिस्ट्रेशन रखा था, ओपन रजिस्ट्रेशन में 3,000 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस रूप में 1,000 लोगों को सेलेक्ट किया। आई एम नॉट सेइंग दैट, हाउ कैन यू से दैट मांसाहार इज इलीगल, हु टोल्ड यू दैट, वी नेवर कंसिडर दैट मांसाहार इज इलीगल, cannot be, especially we are organizing this कार्यक्रम in northeast, so इसलिए मैंने आपको बता रहा, यहाँ में कौन सा ठीक है कौन सा गलत है बताने के लिए बैठा नहीं, वहाँ क्या क्या होने वाला है, वहाँ के कंटेंट के बारे में हमने भारत के जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाया है वहाँ, they will discuss about and come to some conclusion and that also is not binding to all, वो discussion करेंगे openly, it is open for all in that sense, आप पत्रकार लोग हैं, आप कृपया आने के लिए भी कष्ट करें वहां आइए। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट, हाउ कुड यू से दैट, आपके बारे में बता दीजिए कृपया। बहुत होंगे, मैंने एक और बात बताने के लिए, आपका जो क्वेश्चन अच्छा हुआ, केवल बात में नहीं है, इस लोकमंथन के प्री लोकमंथन इवेंट्स भी पूरे भारत में 26 बड़ा कार्यक्रम हुआ था,
वो 26 कार्यक्रमों में 12 यूनिवर्सिटीज में हुआ। वो 12 में भारत के जाने माने 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, JNU, DU सहित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हुआ प्री लोकमंथन इवेंट्स। इसमें एक और बात मैंने लोक के बारे में बताने के समय तो बताया था, लोक बियॉन्ड फोक, इस टाइटल में JNU के अंदर एक बड़ा कला कार्यक्रम हुआ था, हाउ टू स्ट्रेंथन ट्राइबल लोग, टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये भी लोकमंथन के विषय के रूप में JNU में डिस्कस किया। लोक बियॉन्ड फोक इस विषय को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, बेंगलुरु में कार्यक्रम किया। सो लोकमंथन के पहले भी कार्यक्रम होंगे हुए और लोकमंथन के बाद भी पोस्ट लोकमंथन इवेंट्स वो भी प्लान किए हैं ऑलरेडी। पिछले रांची लोकमंथन के बाद भी पूरे भारत में बहुत सारे इस प्रकार का डिस्कशंस हुए, क्योंकि भारत के संवाद का परंपरा है, संवाद का परंपरा, वो संवाद का परंपरा को शक्ति देने से ही भारत आगे बढ़ सकते हैं, ये है, दूसरा एक उद्देश्य भी है। इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम पहले ही हुआ, बाद में भी होंगे। सॉरी टू से मैं ऑलरेडी बताया था, व्हाट बाद में आया, सॉरी, ये तो असम में है। पहला फर्स्ट एडिशन वॉज इन भोपाल इन 2016, देश काल स्थिति इस विषय को लेकर था, एंड सेकेंड वन 2018 में रांची में था, उसमें राष्ट्रबोध, भारत बोध, जन गण मन इस विषय को लेकर था। एंड इस बार जो कोरोना के वजह से 2020 में नहीं हुआ, इसलिए 2022 में हो रहा है। ये तो लोक परंपरा मुख्य विषय है, इसके लिए वेन्यू हमने तय किया है असम के राजधानी गुवाहाटी में, श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र। इसलिए वहाँ के जो क्वेश्चन के आंसर के रूप में मैंने जो बताया था, हमने एक लोकमंथन तय किया है तो केवल 2 ईयर्स में केवल एक ही कार्यक्रम, ऐसा नहीं है। उसके पहले एक बिल्डिंग बिल्डअप, इसका जो माहौल बनाने के लिए, इस प्रकार का वैचारिक विमर्श सब दूर लेकर जाने के लिए हमने ऑलरेडी 26 कार्यक्रम एक 3-4 महीने के अंदर किए हैं। दिल्ली में भी किया, IGNC के अंदर ईशान मंथन करके एक कार्यक्रम किया, दैट्स ऑल्सो ए प्री लोकमंथन इवेंट के रूप में किया है। इस बड़ा कार्यक्रम के बाद पूरे भारत में सभी प्रांतों में पोस्ट लोकमंथन इवेंट्स, द मैसेज विच इज गोइंग टू बी गिवन बाई द माननीय सरकारी दत्तात्रेय होसबोले, उसके आधार पर पूरे भारत में सभी प्रांतों में वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज। सो एक कार्यक्रम से समाप्त करने वाला नहीं है, प्री लोकमंथन इवेंट्स एंड पोस्ट लोकमंथन इवेंट्स होंगे। देखिए, पहला जो लोकमंथन हुआ भोपाल में, वो भोपाल के लोकमंथन के लिए जो इसका जो लिटरेचर हमने छापा था, बड़ा पुस्तक, 3 पुस्तक छापा था। कार्यक्रम के बाद भी इसका पूरा प्रोसीडिंग्स तैयार किया, ये हमने, हमारा जो रीच में कितने यूनिवर्सिटीज़ है, कितने बड़े शिक्षा संस्थान हैं, सब दूर पहुंचाने के लिए कोशिश किया है। रांची में भी छपा हुआ नहीं, प्रिंटेड मटेरियल्स, इससे रिलेटेड पुस्तक लोकमंथन, इस मूल आइडिया को लेकर जो किया था वो भी हमने पहुंचाने के लिए कोशिश किया। इस बार भी अभी तक 2 बड़ा पुस्तक, वन इज इन इंग्लिश, लोक बियॉन्ड फोक करके एक पुस्तक छपा है,
एंड सेकंड आज इस कार्यक्रम के बाद एक हिंदी पुस्तक प्रोफेसर कुठियाला जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी और प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी ये तीनों मिलकर संपादित एडिटेड एक हिंदी पुस्तक लोक परंपराओं में स्व का बोध इस नाम से एक बड़ा पुस्तक का विमोचन इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाला भी है और 22 को वहाँ भी दो तीन पुस्तकों के विमोचन होंगे। आपने जो सही पूछा ये पहुँचना चाहिए शिक्षा संस्थानों में, खासतौर पर विश्वविद्यालयों में। वो पहुँचाने के लिए भी प्रज्ञा प्रवाह से जुड़े हुए लोग, संस्कार भारती से जुड़े हुए लोग और इसमें जुड़े हुए अन्य सामान्य लोग भी प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा तय है। यू आर डिसाइडेड। मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन हो गया है, और कुछ है एक तो सो वेरी मच हैप्पी आप लोगों ने, मैंने जो बताया यू आर ऑल इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन फंक्शन। आप मतलब आप संबंधित आपके जो इंस्टीट्यूशन वहाँ लोगों को भेजेंगे ऐसा हमारे पूरा उम्मीद है। क्या मैं आप कुछ अभी भी ये लाइव स्ट्रीम भी होंगे, इनॉग्रेशन का भी और समापन का लाइव स्ट्रीम ही होंगे।